मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक रिलेटेड टू बायोलॉजी, द सेल्फ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. क्वेश्चन राइज इन आवर माइंड, हु डिस्कवर्ड सेल्फ? सेल्फ वेयर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. A cell looks like as a honeycomb, a small unit present inside the cork cell. First of all, cell were seen by the Robert Hooke inside the cork cell and give the name a smaller unit. These unit responsible for the formation of a large site of the plant or large body of the plant or large body of the animal. Then, first of all, describe the structure of cell. How to begin describe the structure of cell? Then, draw the structure of cell. First of all, draw the animal cell. This is outer membrane of cell. Then nucleus of the cell, cytoplasm, and different cell organelles situated inside the cell membrane. Golgi body, mitochondria, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Lysosome, ribosome,
सेंट्रोसोम माइक्रोट्यूब्यूल्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस ऑल दीज आर द सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म बॉन्ड विद सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन आर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोलिपिड. सेल मेम्ब्रेन आर डबल लेयर. सेल मेम्ब्रेन लाइसोसोम आरईआर एसटीआर rough rough endoplasmic reticulum a smooth endoplasmic रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रियम माइक्रोट्यूब्यूल्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर पोर न्यूक्लियोप्लास्ट साइटोप्लाज्म सेंट्रोसोम राइबोसोम The
दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल. देन वी विल डिस्कस वन बाय वन व्हाट इज द रोल ऑफ द ऑल पार्ट ऑफ द पार्ट प्रेजेंट इनसाइड द एनिमल सेल आर ऑल पार्ट ऑफ द सेल प्रेजेंट इन प्लांट सेल. देन फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सेल प्रेजेंट इन एनिमल सेल. देन फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस व्हाट इज द रोल ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन आर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ आर मेड अप ऑफ लिपिड बाई लेयर आर फॉस्फोलिपिड एंड फॉर्म आउटर बाउंड्री ऑफ अ सेल. आर इन अदर वर्ड वी कैन से द सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑल द मटेरियल प्रेजेंट इन साइड द सेल एंड प्रोवाइड सेफ्टी टू ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन साइड द सेल. एंड वी ऑल नो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर सेलेक्टिव परमिएबल. डू यू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ सेलेक्टिव परमिएबल? दीज मेम्ब्रेन अलाउ सम मॉलिक्यूल्स इंटर इनसाइड द सेल. ऑल द मॉलिक्यूल्स नॉट इंटर इनसाइड द सेल. देन वी कैन से सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड अ सेफ्टी टू ऑल द ऑर्गेनेल्स एंड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इनसाइड द सेल. देन वी स्टार्ट द डिस्कशन रिलेटेड टू गॉल्जी बॉडी. व्हाट इज द रोल ऑफ गॉल्जी बॉडी इनसाइड द सेल? गॉल्जी बॉडी का क्या रोल है सेल के अंदर? गॉल्जी बॉडी क्या करता है? गॉल्जी बॉडी को डिस्कवर किसने किया? गॉल्जी बॉडी सेल के अंदर एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड करता है, जो सेल के इंटरनल शेप को बनाए रखने में अपना सहयोग करता है. और इस गॉल्जी बॉडी को या गॉल्जी अपरेटस को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किया कैमिलो गॉल्जी ने. और उन्होंने इसके फंक्शन के बारे में बताया. कैमिलो गॉल्जी गॉल्जी अपरेटस के फंक्शन के बारे में बताया. इसके एक एक पार्ट को हम सिस्टम या गॉल्जी बॉडी के फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे. गॉल्जी बॉडी का क्या रोल है? गॉल्जी बॉडी जो है स्मॉल फॉर्म लाइसोसोमिक वेसिकल्स. दीज लाइसोसोमिक वेसिकल्स कैरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स. दीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स डन द वर्क inside the cell. If a cell starts a phagocytic mechanism, means agar cell kisi bhi foreign particle ko phagocytose karta hai, usko khata hai, to us khaye hue material ko digest karne mein ya lysosomic vesicles jo hai apna role play karti hain. और ये लाइसोसोमिक वेसिकल्स अपने अंदर डिफरेंट एंजाइम्स कैरी करके लेके चलती हैं जो उस समय डाइजेशन में अपना रोल प्ले करती हैं. देन गॉल्जी अपरेटस आल्सो हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ आरईआर एंड एससीआर. आरईआर मींस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एससीआर मींस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दीज टू रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन साइड द सेल एंड एससीआर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसाइज फैट और स्टेराइड्स इन साइड द सेल. बट फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म ए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. बट
राइबोसोम ज्वाइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड क्रिएट रफ सरफेस एरिया ऑन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कन्वर्टेड इंटू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियालो राइबोसोम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन न्यू मैकेनिज्म हाउ टू प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल देन राइबोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन थ्री टाइप ऑफ राइबोसोम आर प्रेजेंट इनसाइड अवर बॉडी और इनसाइड अवर सेल थ्री टाइप ऑफ आरएनएस आर आरएनए एम आरएनए एंड टी आर एन ए तो यह जो राइबोसोमल आरएनए है यह राइबोसोमल आरएनए जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे जाके अटैच होता है और अटैचमेंट के बाद यह डिफरेंट प्रोटीन के सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करता है। इसको नेक्स्ट क्लास में आप क्लास 11 और 12 में विस्तार से प्रोटीन की सिंथेसिस सेंट्रल डोगमा मैकेनिज्म को आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपको इतना ही बताएंगे कि जो आरएनएस है ये सेंट्रल डोगमा के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है और न्यूक्लियस से चल करके और फाइनली साइटोप्लाज्म में प्रोटीन की सिंथेसिस फुलफिल होती है। तो होता क्या है न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्लिकेशन मीन्स फॉर्म कॉपी ऑफ डीएनए प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस देन दीज रिप्लिकेटेड डीएनए फर्दर ट्रांसक्रिप्शन मीन्स दीज कॉपी डीएनए फर्दर कन्वर्टेड इनटू आरएनए एंड दीज आरएनए ट्रांसफर इनसाइड द साइटोप्लाज्म एंड With the help of ribosomal RNA, this transfer RNA joined with the rough surface of RER and provide a triplet base pair and these base pair carry one amino acid and more than one amino acid conjugated to form a polymer of amino acid are also known as peptide and large chain polymer form are also known as polypeptide and these polypeptides are also known as protein. होता क्या है कि आरएनए यहां से ट्रांसफर होकर के राइबोसोम बॉडी के साथ जाकर के मिलता है और राइबोसोम बॉडी में मिलने के बाद अपने साथ ट्रिपलेट बेस पेयर लेकर के जाता है। हर एक ट्रिपलेट बेस पेयर जो है एक एमिनो एसिड एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड को अपने साथ लेकर के जाता है और उस एमिनो एसिड को जो एंटी ट्रिपलेट एंटी कोडान जो ट्रांसफर आरएनए के द्वारा फॉर्म किया जाता है वो उसके साथ बॉन्ड बनाता है डबल एंड ट्रिपल एच बॉन्ड जिससे उस एमिनो एसिड की रीडिंग होती है और रीडिंग के बाद वह एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़ता है एंड वन बाय वन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होते जाते हैं और वो पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट होते हैं और इस प्रकार से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो आरईआर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड एससीआर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्ट्राइड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड एंड स्ट्राइड का फॉर्मेशन एससीआर में होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑल दिस फंक्शन डन बाय द गॉल्जी बॉडी और विद द हेल्प ऑफ गॉल्जी बॉडी एंड न्यूक्लियस।
then after the complete study of the function of Golgi body and RER and SER, again we will try to discuss the function of mitochondria. What is the role of mitochondria? And before the discussion related to mitochondria, first of all we discuss what is the role of cytoplasm. What is the role of cytoplasm present inside our cell? What is the definition of cytoplasm? The definition of cytoplasm is, a cytoplasm is a jelly-like substance present in between cell membrane and nuclear membrane. Means cell membrane or nuclear membrane के बीच में जो जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. एंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म मेनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स, वाटर एंड ऑल दीज ऑर्गेनेल्स सिचुएटेड इनसाइड द साइटोप्लाज्म. देन वी कैन से साइटोप्लाज्म हैव द एबिलिटी टू प्रोवाइड अ सिस्टमेटिक पोजीशन टू ईच एंड एवरी organelles present inside the cell. After the study of the function of cytoplasm, we will again discuss the function of mitochondria inside the cell. Then a question: who discovered mitochondria? Mitochondria were discovered by Altman. Who discovered mitochondria? Your answer is, mitochondria were discovered by Altman. Then what is the role of mitochondria? Mitochondria is the powerhouse of cell. All the carbohydrate molecules consume inside the mitochondria in the presence of oxygen and form a huge amount of energy in the form of ATP, and all these ATP energy store inside the mitochondria, and these store ATP energy further utilize in passive transport. The passive transport transportory function being done inside the cell are being done in other side of our body. These ATP energy one by one utilized by the cell, and continuous carbohydrate molecule consume inside the mitochondria and for ATP energy. This is all about the function of mitochondria. Thank you for watching video. In next section we will discuss the function of microtubules, peroxisome and nucleus, nucleolus, nuclear membrane and nucleoplasm, etc. Thank you.